जो भी रास्ते यार, एक मुश्किल की जा रही है जम्मू की साइड, एक लाहौर की साइड। तो यहाँ पर आज आई थिंक ये वाली परंपरा खत्म हो रही है, यहाँ पर मुर्गे हो गए या फिर ये जो बलि लगती है ना। अच्छा भाई साहब, हम समय जो है वो पहाड़ों के मजे ले रहे हैं भाई सबसे पहले। और आपको एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जो इस जगह के बारे में आपको बताते हैं जी। सबसे पहले आप ये जो जगह देख रहे हो ना भाई, यहाँ पे धुंध वगैरह पड़ी है, तो ये जी ये आता है डिस्ट्रिक्ट डोडा में। एक्चुअली जहाँ पर हम इस समय खड़े हैं ना, तो हमारा पता नहीं है कि हम कहाँ पे खड़े हैं, क्योंकि इस समय जो मेरी एक टांग है ना, ये वाली, तो ये वाली टांग है जी इस समय मेरी उधमपुर में और डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, और ये वाली टांग है ना जो मेरी, तो ये है जी इस समय डिस्ट्रिक्ट डोडा में। यहाँ से इस साइड जो है वो डिस्ट्रिक्ट डोडा पड़ता है और इस साइड जो है वो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर पड़ता है। आप कहाँ से आए हो भैया? हम लाठी से आए। अच्छा, लाठी से। यस। कल आए होंगे ना? जी सर। कितने बजे आए थे आप नीचे से? एक बजे। अच्छा, एक बजे। कितने कितने घंटे लगे आपको यहाँ पे पहुँचने के लिए? 5 घंटे लगे। अच्छा, 5 घंटे। यस। और सामान कितना कितना उठाया था आपने? 30 किलो और 30-50। 50-50 किलो। 40। क्या बात है भाई। सुबह चाय और ब्रेड मिल रही है ना, ये देखो जी जहाँ पर चाय वगैरह बन रही है। और इन्होंने कल से लंगर लगाया जी, चाय हो गई, वो हो गए ब्रेड पीस हो गए, बाकी एक लंगर वहाँ पे भी चल रहा है, वहाँ पे जो है वो खाना मिल रहा है जी, वो देखो। तो भाइयों, रात को पहुँचे थे हम जहाँ पर, और मैंने जैसे कि आपको पहले टेंट बैग वगैरह जो है वो दिखा दिए, सब कुछ वहाँ पे लगे हैं जी अपने टेंट, वो देखो जी। वो बोल रहे हैं कि जिन्होंने चाय के गिलास लिए हैं लंगर में पहुंचा दो, और चाय के गिलास किसने लिए हैं पता है? ये देखो जी, इन्होंने लिए। और ये देखो जी, यहाँ पर लगा है मेला, सिल्लो ए मतलब पिड्डू वगैरह चार दे। पिड्डू मुर्गा। अच्छा, और बंद कर दिया आज, प्यारे और मना कराते। अच्छा, दोबारा लेंदे कोई भी? अच्छा, डारे चढ़ाई सब ने। अच्छा अच्छा, अज्जा कोला बंद हुई है के पहली बार सुना के मुर्गा कुदे देवते चढ़दा। थोड़े घर कुछ है सर? कोल्डी। अच्छा, कोल्डी परमीन, एडे दूर आए तुस? अच्छा अच्छा, दे आज ये मतलब डिसाइड हुआ कि मेले वाले दिन सिल्लू पिड्डू दे? बिल्कुल नहीं, जी जी जी। ऐसे मैंने मानसर आया समझ, लाइन सीधी रखी बाबा भड़ारा इधर रख, मानसर आए, मानसर सीधी लाइन रखी, चौकी दिखो तुस, जंदोर दिखो, जां पिच्छे ओह नी है सनाड़ है, ते होर भी हैन इत्थे। अगर तुसी एक बार पुरानी परंपरा थी कि साइक कुलार साडे मलुठी आ गन्ने दे बाबा हुंदे, ओ एक मतलब ये छाबड़ी भरिए रुट्टी आंदे, छाबड़ी आंदे, जिन्ने बजे दा लोंदे ओने रुट्टी खलाई दिंदे, पूरी हुंदी ही, पूरी रुट्टी होई।
हेलो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। देखिए अभी हम आपको अपने सारे ब्रदर्स दिखाएंगे जो भी हमारे साथ आए थे। भाई आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा यहाँ आने का? भाई इधर का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, पर इधर एक चीज़ बहुत मेरे को अच्छी नहीं लगी है। इधर मुर्गे वगैरह काटते हैं, गोट्स वगैरह को काटा जाता है, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। बाकी बहुत बढ़िया है, ये इधर का व्यू बहुत अच्छा है। छोटा मनी महेश, शायद मनी महेश हमने सिर्फ पिक्चर्स में देखा है भाई, और ये बिल्कुल वैसा का वैसा लग रहा है। लेकिन वहाँ के जो पहाड़ है ना, वहाँ पर इतनी आई थिंक हरियाली नहीं है, वो सूखे सूखे पहाड़ हैं, और यहाँ पर थोड़ा घास फूस है, उसकी वजह से यहाँ पर हरियाली है। इधर की आपको अच्छी चीज़ क्या लगी और जो अच्छी नहीं लगी वो भी बताइए। नहीं, अच्छी हमें वही लगी कि मतलब यहाँ पर लोग इतने दूर से आते हैं और इतना सामान उठा के लाते हैं, तो ये अच्छी लगी। बाकी यहाँ का जो नेचर, वातावरण जो है, ये सब जो है वो बढ़िया लगा। जो अच्छी नहीं लगी, जो यहाँ पर आज आई थिंक ये वाली परंपरा ख़त्म हो रही है, यहाँ पर मुर्गे हो गए या फिर ये जो बलि लगती है ना, तो ये हमें लगता है कि नहीं होनी चाहिए। और आज किसी ने बताया कि आज के बाद वहाँ पर उन्होंने ऐलान कर दिया, उन्होंने वो जो पुजारी हैं उन्होंने बोल दिया कि आज के बाद जहाँ पर ये कोई मुर्गा और ये बकरियाँ वगैरह जो है वो नहीं लाएगा, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। का रास्ता दिखाया, हम इधर का रास्ता जानते नहीं थे, इन भैया ने हमें नीचे से लेके इधर तक पूरा रास्ता दिखाया है। अभी हम अकेले जाएंगे क्योंकि हमें रास्ता का पता लग चुका है। भैया ठीक है, बाय बाय। ठीक है, ओके बाय बाय, फिर मिलेंगे। जितने जो लोग जा रहे हैं ना, तो वहाँ पर कोई मतलब पंगा शंगा ना हो जाए, उसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस भी जो है वो जहाँ से जाती हैं भाई। ये देखिए, ये हमारे भाई है, बहुत दूर से हमारे लिए आलू बुखारे लेके आए हैं। भैया अपना नाम बताएं। संतोष। और भैया क्या करते हो? पढ़ता हूं। पढ़ रहे हैं, देखो भैया कितनी मेहनत कर रहे हैं। अभी भैया ने हमारे लिए आलू बुखारे लाए और हमें संतोष मिल गया। YouTube चैनल नोमैड चरणजीत। कहाँ से आए आप? मरुठी से। कितने बजे चले थे सुबह? 6:30। बड़ी जल्दी आ गए आप। नंगे पैर हैं भाई? अब तक जब से हम ऊपर से चले हैं ना भाई, इतने लोग दिख रहे हैं ना हमें, उस सही मत इतने मतलब इस साइड से आ रहे हैं तो उस साइड से भी आ रहे होंगे ना, डोडा वाली साइड से। असली मेला तो ऊपर आज लगेगा है ना, 12 बजे के बाद। तो कितने बजे चले हैं तो चले आ? हाँ चले 6 बजे मरुठी का। मरुठी का कार थोड़ी मरुठी 6:45 3:30 है ना। हाँ जी, आलू हारे हाँ दे, लेकिन खत्म हो गए इसलिए। पुजिए बस रही है मुंडा अद्धा घंटा, अद्धा भी नहीं लगना, कोई 15 मिनट के बाद ना ना ए बस ए जी है पीछे ही लगा नाड़ी पीछे पुजिए समझो। ओ आप पूछ दे जाके तो 1.5 घंटा। भैया जी आप क्या खा रहे हो? नाम बताइए इस चीज का, इंग्लिश में बता दीजिए। जी हमारे पवन भाई, पवन भाई क्या खा रहे हो? लुच्चा। वेरी गुड, कहाँ से मिला ये आपको? संजू भैया ने लाया। संजू भैया ने, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा भैया जी आप क्या खा रहे हो? आलू खा रहे। आप चूस रहे तो ऐसे कुछ और लग रहा है आम जैसे। अच्छा अच्छा लग रहा है आलू है नहीं, खाली बुखार है ऐसे बोल। और ये हमारे उधर चाइना चांदनी चौक टू चाइना पिक्चर देख के आए हैं, और उन्होंने पूरी मुछे वैसी रखी हैं। ये देख लीजिए, और आंखें इनकी आंखें लाल हैं, क्या इनका इस चीज का? रात को सोए ना आज। अच्छा क्या कर रहे थे पूरी रात जाके? इन्होंने मुर्गा लाया था। अच्छा। मुर्गा साथ सुलाया था। अच्छा अच्छा, मुर्गे को साथ में सुला दिया था। देख लीजिए भाई इस बात पे, यहाँ से हो गई थी, गर्मी ज्यादा थी। अच्छा गर्मी ज्यादा थी, इन्होंने ना कोई पंपरी वंपर डाला था। देख लीजिए भाई, आज इन भैया का राज पता है, ये बम्पर डालते हैं, बम्पर नहीं पैंपर डालते हैं। भाई अभी हमें ऊपर से चले हुए कोई 10 मिनट के करीब, 10 नहीं कोई 20 मिनट के करीब हो गया है, तो अभी हम रास्ते में पहुंच चुके हैं। यही है मेन रास्ता जो
सबसे खतरनाक है, देख सकते हो आप। इधर आपको रास्ता नहीं दिखेगा, जहाँ से आप चढ़ना चाहोगे वहीं से चढ़ सकते हो। हेलो भैया, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका नीचे से इधर तक? ठीक रहा, हम पहली बार आ रहे हैं। अच्छा, इनका फर्स्ट टाइम है इधर आने का। तो भैया कैसी थकावट, क्या आपको क्या लगता है? ठीक है, इतना नहीं है, काफी लोग यात्रु श्रद्धालु जहाँ से आ रहे हैं। अच्छा, अच्छा मौसम है, मौसम भी अच्छा है। पहले सुना करते थे, पहले बारिश भी होती थी। अच्छा, तो थोड़ा दुर्गम रास्ता है, चढ़ाई है। अच्छा, कोई 80 प्लस कोई आना चाहे बुजुर्ग तो वो भी आ सकता है, लेकिन आस्ता आस्ता ही। तो आप पब्लिक से क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैं तो पहली बार जा रहा हूँ, ऊपर देखेंगे दरबार में जाके क्या क्या है, और हम कोशिश करेंगे अगली बार हर बंदे को मोटिवेट करेंगे ताकि वो बोलो देरा में आ सके। हाँ, तो ये देरा की अपनी क्या मान्यता है, आप क्या बताना चाहते हैं? अभी हमें इतना नॉलेज नहीं है। इधर अच्छा। कोई बाबा प्रधान नाम से है कोई अच्छा स्थान है बाबा का। अच्छा जी जी, इधर लोग आते हैं, हर साल आते हैं। अच्छा अच्छा, ये रामनगर से है। तो क्या आप बता रहे थे कुछ सीता मंदिर के बारे में? जहाँ जाते हैं ना देरा जो है ना। अच्छा, जहाँ मेरे बाबा प्रधान है। अच्छा जी, हमारे पंच भी है, हमारे मैं सरपंच हूँ। अच्छा, देख लीजिए लोगों का कितना ही ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है। लोग हमें बढ़ते हुए दिख रहे हैं, कम होते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जो लोगों में अभी तक हमने एक चीज़ देखी, ऊपर जाने की इनमें बहुत ही ज़्यादा जिसको बोलते हैं, ये देखिए, ये मेन मेरा मोटिव था यहाँ का आपको व्यू दिखाना। जो नीचे वाला जो जहाँ पे लंगर लगा है ना भाई, उसके पास पहुँच गए हम। अब भाई यहाँ से हम नहा के निकले। अभी हम नहा के यहाँ से निकल रहे हैं। अभी हमने यहाँ पे नहाया, बहुत ही मज़ा आया। इधर बहुत ठंडा पानी था गाइस। अभी हम निकल रहे हैं, ये हमारे बड़े भैया और ये हमारे छोटे भैया और हमारे ब्लॉगर भाई पीछे हैं गाइस। बहुत ही खतरनाक रास्ता है और अभी हम यहाँ से आगे जाते हुए देखिए गाइस, ये हमारे भाई लोग जा रहे हैं। हमारे बड़े भैया तो जूते खोल के चल पड़े हैं। ऐसे जो हम यात्रा में जा रहे हैं का यहाँ पे लंगर लगा हुआ है। ऐसे ही निकल रहे थे लेकिन भाई मन कर रहा है कि जो कहते हैं ना कि जो लंगर का जो प्रसाद होता है ना उसको खाने से ज़्यादा पुण्य मिलता है, थोड़ा सा देख लेंगे जी। और भैया आपने एक चीज़ देखी होगी, हाइजीनिक की तरफ, हर एक चीज़ हाइजीनिक है, हाइजीनिक है। वे टेस्ट करके बताइए। देखो जी, चावल है, राजमा है, मिक्स दाल है और ये अपना खट्टा है भाई, खट्टा अम्बल बोलते हैं जिसको। हाँ जी, हाँ जी जी भाई, गांव में होता है ज़्यादातर ना। जो भी रस्ते यार, इतने दूर दूर से लोग आते हैं ना यहाँ पे, पूछो ही मत। हम भी तो दूर से ही आए हैं भाई, पंजारी से। अगर एक बंदा यहाँ पे आया तो आई थिंक फर्स्ट पहला बंदा होगा मैं जो यहाँ पर आया पंजारी से, शायद कोई पहले भी आता होगा भाई। लगता भी है बंदा चश्मा लगाया है ना, लगते नहीं हो भाई सच में। 11th में पढ़ रहे हो वो देखो जी, हमारे बबलू कुमार जो कि आए हैं पंजग्राई या पंज तीर्थी। अच्छा बता दो कुछ अपनी रामनगर की कोई स्पेशलिटी है, कोई डोगरी गाना बता दो। ये पता कितनी बार आ गए हैं यहाँ पे, ये 7th टाइम आया। यार बच गया आप, ये आप 7th टाइम आए आप। जी जी यार, अब नहीं यार, ये नहीं बनाएंगे ये भाई यहाँ से नीचे चला गए थे भाई। और ये देखो जी, वहाँ से अगर नीचे जाते ना, वहाँ पे जाते नीचे, वहां से फिर जल्दी पहुंच जाते नीचे। लगी जय बाबे जी, हरे कृष्णा जी, हरे कृष्णा बम बम बोले बोले बम बम बोले बम बम बोले। ओ खड्डा खड्डा रुड़दा तो बड़े लेट हुई है। लेट हुई है। कुद्र आए सर? रामनगर पैदल गया है? नहीं यार, कितने बजे चले है? तब लिया नहीं, 5 बजे। अच्छा, पी भी जल्दी आए तुस।
अगे की है सनाउड़ो तेरा रेशमी रुमाल कुत्थे रखा तेरी बोतल हड़िए टब्बर पछाड़िया मेरा हाथ बना टब्बर 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 मेरी शक्ति तुस पुट्ठे ते नहीं पेदे कुदै लग्गी तां मूंह बंद करा दे उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो बहुत पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।